गुड मॉर्निंग बच्चों, मिशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुपम चौहान। बच्चों, लैंग्वेज प्रैक्टिस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए कहा गया है और इन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरनी है। करेक्ट इसलिए भरनी है क्योंकि क्वेश्चन में गलत पूछी गई है और करेक्ट आपको इमेज देख के, राइट हैंड साइड पर जो इमेज दी है उसको देख के आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरनी है। आइए करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। लुक एट द पिक्चर मीन्स तस्वीरों को देखिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और लेफ्ट साइड में जो ये ब्लैंक जगह दिख रही है आपको, यहाँ पर आपको फिल करना है। क्या फिल करना है? प्रीपोजिशन फिल करना है, वो भी करेक्ट। इसका मतलब ये है कि ऊपर जो प्रीपोजिशन लिखी हुई है इसमें वो गलत दी हुई है और वो आपको करेक्ट करके इन फिल इन द इन ब्लैंक्स में आपको लिखना है। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर वन से। एंड नंबर ए, इज़ द डॉग सिटिंग ऑन द टेबल। क्या डॉग टेबल के ऊपर बैठा है? तो पिक्चर में देखकर बताइए डॉग की पोजीशन क्या है, ऊपर है या नीचे है। जैसी बात है, नीचे बैठा हुआ है तो नीचे के लिए यूज़ करेंगे हम लोग अंडर प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर भरा जाएगा नो, नहीं, इट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। तो यहाँ पर हम लोग अंडर भरेंगे इसमें। नेक्स्ट है, इज़ द गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड द टेलीविज़न। पिक्चर को देखिए, टीवी है, गर्ल है, अब टीवी के सामने गर्ल खड़ी है, लेकिन लाइन में क्या लिखा हुआ है? बिहाइंड, यानी कि पीछे। क्या लड़की टेलीविज़न के पीछे खड़ी है? क्वेश्चन पूछा है तो आप बताएंगे नो, नहीं, शी इज़ स्टैंडिंग, वो खड़ी है इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न, टीवी के सामने। तो यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन होगा इन फ्रंट ऑफ। तो यहाँ पर इस तरह से इन फ्रंट ऑफ भर देंगे। नेक्स्ट लाइन है हमारी, इज़ द कैट सिटिंग अंडर द बॉक्स। पूछा है इज़ द कैट, क्या बिल्ली सिटिंग बैठी है अंडर द बॉक्स, बॉक्स के नीचे। तो पिक्चर देखकर बताइए कि बिल्ली की पोजीशन क्या है, कैट कहाँ पर है, बॉक्स के ऊपर है या नीचे है? ऊपर है, तो ऊपर के लिए यूज़ होगा प्रीपोजिशन ऑन। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग भरेंगे नो, इट इज़ सिटिंग ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर बैठी है ना, तो ऑन भरेंगे नो, नहीं, इट इज़ सिटिंग, बैठी है ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर। नेक्स्ट लाइन है हमारी, इज़ द गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार। इज़ द गर्ल, क्या लड़की स्टैंडिंग खड़ी है इन फ्रंट ऑफ द कार, कार के सामने। पिक्चर में जस्ट इसका उल्टा दिख रहा है क्योंकि वो कार के सामने नहीं है, कार के पीछे है। तो आपको यहाँ पर पीछे की प्रीपोजिशन इंग्लिश में भरनी है, ठीक है? तो हमारा आंसर होगा नो, नहीं, शी इज़ स्टैंडिंग, वो खड़ी है बिहाइंड द कार, यानी कि कार के पीछे। तो यहाँ पर बिहाइंड भर दिया जाएगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। लास्ट लाइन है हमारी, इज़ द बर्ड सिटिंग इन द बॉक्स। इज़ द बर्ड, क्या चिड़िया सिटिंग बैठी है इन द बॉक्स, बॉक्स में। बॉक्स तो दोनों ही खाली दिख रहे हैं, एक उल्टा है एक सीधा है, लेकिन किसी भी बॉक्स में नहीं है, वो बीच में बैठी है ना। तो इसकी सही प्रीपोजिशन होगी बीच में, बीच की स्पेलिंग होती है बिटवीन। तो हम लोग आंसर में भरेंगे नो, इट इज़ सिटिंग, नहीं, ये बैठी है बिटवीन द टू बॉक्सेस, यानी कि दो बॉक्स के बीच में बैठी है। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज़ करके सभी लाइंस को कंप्लीट करेंगे और गुड हैंडराइटिंग में इसे नोट डाउन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए।